वेरिएबल का भी जो टॉपिक है और ये गिट और गिट हब ये हम पढ़ चुके हैं इस क्लास में, तो ये सिर्फ नए लोगों के लिए जो है ना रिपीट कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ हम जावास्क्रिप्ट इस क्लास में ना शुरू कर चुके हैं। अच्छा जी दोस्तों, तो मैंने ये रिपोजिटरी खोल ली है वो वाली जो हम ओरिजिनली इस क्लास में फॉलो कर रहे थे। अच्छा, ये ES6 करके जो फोल्डर बना हुआ है हम इस क्लास में ना ES6 फॉलो कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ही है लेकिन उसका जो सबसे नया वाला वर्जन है उसको हम कहते हैं ES6 और मॉड्यूल। सही है, ES6 मॉड्यूल हम इस क्लास में फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ES6 ब्राउज़र हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ब्राउज़र पे जब चलती है ना जावास्क्रिप्ट तो वो चलती है HTML के साथ, बगैर HTML के ये नहीं चलती है। अच्छा, HTML के साथ चलाने के इसको दो तरीके हैं। नंबर एक कि आप यहीं पे यानी HTML के दरमियान में ही आप स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, और स्क्रिप्ट का टैग लगा के आप क्या करते हैं, दरमियान में सारी की सारी जावास्क्रिप्ट आप लिख देते हैं। ठीक है, अलर्ट लिखने से क्या होता है कि ये स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और उसमें वो बात लिखी हुई आ जाती है। अलर्ट हम इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसी नोटिफिकेशन दिखाने के लिए जो हम चाहते हैं कि यूज़र जब तक देख ना ले, जब तक वो हटे ना, ठीक है, जब तक यूज़र हाथ से ओके ना प्रेस करे, जब तक वो जाए ना, तो ये अलर्ट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका इसको लगाने का ये है कि आप स्क्रिप्ट का टैग अलग से लगाकर और एक अलग से आप फाइल बना देते हैं। आप नोट करें ये अलग से जो फाइल बनी हुई है इसमें वही बात लिखी हुई है, अलर्ट और कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये अटैच कैसे हुई हुई है, एक स्क्रिप्ट के टैग से के ज़रिए ये अटैच हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, टाइप मॉड्यूल इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ES6 मॉड्यूल वाला। सही है, बिल्कुल नया मंजन है जो। और इसके अंदर क्या होता है कि आप फाइल का नाम क्या रखते हैं, .mjs रखते हैं आप। सही है, सिर्फ js नहीं रखते आप, डॉट आप .mjs रखते हैं। अच्छा, इसमें ये ऑप्शनल होता है कि आप या तो टाइप मॉड्यूल लगा दें या तो आप इसका नाम .mjs रखते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम भी आप कर दें तो ये समझ जाता है कि मॉड्यूल है। मैंने यहाँ पे दोनों किया हुआ है, दोनों की ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पर अगर आपने सिर्फ .mjs लिखा हुआ है ना तो ये टाइप मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइप मॉड्यूल लिख दिया तो .mjs लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ टैग जहाँ पे मैंने लगाया है यहाँ पे भी देखें टाइप मॉड्यूल हमने लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो टाइप मॉड्यूल ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अलग फाइल तो है नहीं, तो .mjs नहीं है, तो यहाँ पे मॉड्यूल लगाना फिर आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप इसको मॉड्यूल नहीं लगाएंगे तो ये आपको ES6 तो समझेगा लेकिन मॉड्यूल नहीं समझेगा। ES6 मॉड्यूल जो है वो नया वाला बन जाना। अच्छा, इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस HTML के पेज को कॉपी पाथ करूँगा और कॉपी पाथ करके यहाँ पर ला पेस्ट कर दूंगा। तो ये जी कोड मेरा चल गया, ये अलर्ट आ गया, जब तक मैं ओके प्रेस नहीं करूंगा ये हटेगा नहीं। ठीक है, और ये हेलो ES6 लिखा हुआ गया यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये मेरा हेलो वर्ल्ड हो गया ब्राउजर वाला। अब ब्राउजर के अलावा हेलो वर्ल्ड एक और होता है हमारे पास, वो क्या होता है, सर्वर वाला। सर्वर की जो जावास्क्रिप्ट है वो मुख्तलिफ जावास्क्रिप्ट है जो कि चलती है Node.js के साथ। तो ये हमारे पास सेम फाइल है। ठीक है, फाइल का नाम क्या है, app.mjs। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लास्ट में बस आपको js या mjs लगाना है। ठीक है, mjs क्यों लगाया है, क्योंकि ES6 मॉड्यूल वाली बात है। सिर्फ js लगाऊंगा तो वो पुरानी वाली ES6 समझेगा, ये नई वाली ES6 है। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी फोल्डर में आकर, सही है, इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूँ, और इस फोल्डर में आने के लिए मैं क्या करूँगा, cd es6, किस में मौजूद हूँ मैं, ये एक मिनट डिलीट कर देता हूँ इसको, cd es6 और cd6 node.js। अच्छा, 2 डॉट है, यस सही है। तो मैं यार टू, ये जो टू वाला फोल्डर है 2 डॉट, इस फोल्डर में आ गया, इसमें ये फाइल मौजूद है। इसको चलाने के लिए मैं लिखूंगा नॉड स्पेस और मेरी फाइल का नाम, यानी कि ऐप, और अच्छा मैं फाइल का नाम थोड़ा सा लिख के टैब का बटन दबाता हूँ जिससे ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो ये फाइल मेरे पास चल के आ गई है। ये कमांड जब आप पहली दफ़ा चलाएंगे तो आपके पास एरर दे देगा कि जी Node.js आपके पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, नॉड इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो आप लिखेंगे गूगल पे जाके Node.js और एंटर कर देंगे आप। Node.js लिखते ही आपके पास एक पहला लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस लिंक के अंदर LTS वाला जो वर्जन है इसको आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। Node.js एक रन टाइम है, ठीक है, अब रन टाइम मत पूछना कि क्या होता है क्योंकि वो लंबी कहानी है। ठीक है,
ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, जब तक ये आपकी मशीन में इंस्टॉल नहीं होगा जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड वाली आपके पर नहीं चलेगी। नहीं आईओ स्ट्रीम नहीं होती है, सी प्लस प्लस में सी 11 इटसेल्फ जो है, नहीं वो तो लाइब्रेरी है ना, आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये रन टाइम है, चलता ही इसके ऊपर है ये, ठीक है। अगर तुमने लिनक्स में चलाया हो ना सी प्लस प्लस, तो उसमें सी प्लस प्लस चलाने के लिए क्या इंस्टॉल करते हो? टर्बो? नहीं टर्बो तो कोड एडिटर है, तुमने टर्मिनल पे नहीं चलाया ना, तुमने विंडोज़ पे भी तुमने टर्मिनल पे नहीं चलाया शायद, विंडोज़ में तो खैर मामला थोड़े डिफरेंट है सी को चलाने के, वो तुम सही तुमने चलाया उसके ऊपर। लिनक्स में और वी एस कोड के ज़रिए अगर चलाओगे ना, तो उसके लिए एक चीज़ इंस्टॉल करते हैं, उसको शायद वो सी प्लस प्लस टूल्स कहते हैं। सर वो नहीं तो कमांड क्या लिखी रन करने के लिए उसको? एक्सटेंशन से थोड़ी इंस्टॉल होगा, एक्सटेंशन से नहीं होगा भाई, उसका एक कमांड लाइन रन टाइम है, उसका कमांड लाइन से इंस्टॉल होता है, वी एस कोड के लिए नहीं, वो आपके पूरे कंप्यूटर के लिए होता है। वेल तो वो सी प्लस प्लस टूल्स शायद उसको कहते हैं, मेरे जहन से भी नाम निकल रहा है क्या था वो, तो वो उसमें आप टर्मिनल में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं जैसे सी पी पी और उसके आगे स्पेस डाल के आप वो फाइल का नाम लिखते हैं तो वो चलता है इस तरह करके। तो वो जो सी 11 इटसेल्फ है ना वो आपके पास इंस्टॉल करना होता है आपको, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा लिनक्स पे वो पहले से होता है, मैक में भी वो पहले से होता है, वो इन्होंने एज अ बेसिक टूल वो डाल के दिया हुआ होता है, लेकिन ये है कि आपको फिर भी उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे पाइथन भी डाल के दिया होता है लिनक्स और मैक में ना, पाइथन पहले से होता है लेकिन वो पुराना वर्जन होता है तो अपडेट करना पड़ता है एटलीस्ट आपको। अच्छा तो ये जी हेलो वर्ल्ड ये वाला रन हो गया, सर्वर साइड वाला और ब्राउज़र वाला भी हेलो वर्ल्ड रन हो गया, दोनों बातें हो गई। अच्छा अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, हमारे पास वेरिएबल्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी वेरिएबल सब लोगों को पता है क्या होता है? आप में से कोई ज़रा खड़ा होकर बताए एक बंदा कि वेरिएबल क्या होता है यार, जो भी जी प्यारे दोस्त खड़े हो जाए। मेमोरी की एक लोकेशन होती है, अच्छा सही है बिल्कुल, और कोई आप में से बताना चाहेगा वेरिएबल क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय वेरिएबल जी? डेटा स्टोर कहाँ? डेटाबेस में? अच्छा वेरिएबल्स आर कंटेनर्स जो कि डेटा स्टोर करने के काम आता है जी, और कोई जी? सर वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर वैल्यू असाइन होती है और वो फिर आपकी रैम के अंदर मेमोरी में जाके स्टोर होती है चंक्स में। अच्छा एलोकेट होती है वहां पे मेमोरी। अच्छा दोस्त कह रहे हैं कि वेरिएबल डेटा स्टोर करने के काम आता है और वो डेटा जो है मेमोरी में स्टोर होता है, रैम मेमोरी में, बिल्कुल सही बताया जी, बैठ जाए। और कोई बताना चाहे जी? डेटा का एक नाम होता है वेरिएबल, बात तो सारे सही कर रहे हैं लेकिन एक बात मैं सुनना चाह रहा हूँ जो वो नहीं कर रहा कोई। सही है, दोस्त ने कहा कि जी वेरिएबल जो होता है वो टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है और वो मेमोरी के अंदर चल रहा होता है जब प्रोग्राम रन होता है तो जब तक इसका काम होता है जी। और कोई बताए जी? जी दोस्त बिल्कुल सही बताया, बैठ जाए। जी तो दोनों दोस्तों ने यही बात की कि वेरिएबल उसको कहते हैं जो चेंज होता है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, वेरिएबल जो है वो चेंज होता है। अच्छा हमारे पास जो जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है ना, जब हमारा कोई भी जो कोड रन होता है जब, तो जाहिर है उस कोड में हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं हम उनको टेम्प्रोरीली किसी जगह तो स्टोर करना है हमें, तो हम वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है कि नेम्ड वैल्यूज़ होती हैं जो कि
टेम्प्रोरीली रैम में सेव होती है, जब तक एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोग्राम, जब तक वो रैम में रहती है। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है या प्रोग्राम को क्लोज कर दिया जाता है तो वो रैम से फ्री हो जाती है। ठीक है जी, तो तीन चार तरह की जो है ना इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन चार तरह के वेरिएबल्स होते हैं। नंबर एक है नंबर, और नंबर दो है स्ट्रिंग, और नंबर तीन है बूलियन। अच्छा, नंबर जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें नंबर्स स्टोर करवा सकते हैं आप। जो जावास्क्रिप्ट का जो नंबर है वो सिर्फ फ्लोट होता है, इंटीजर नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो नंबर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ठीक है, 64 बिट साइज़ है कि आप एक वेरिएबल बनाएंगे तो रैम में ये 64 बिट कैप्चर कर लेगा, 64 बिट ये ले लेगा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा जिनको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है के 64 बिट तो ये जगह लेता है मेमोरी में, कितना बड़ा नंबर स्टोर कर पाएगा ये 64 बिट में? जी दोस्त, सर इसको बाइनरी में कितना काम करता है 1 2 4 8, इस तरह से जब हम 23 बिट 64 बिट में आ लेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना उतना बड़ा नंबर ये अपने पास स्टोर कर सकता है। अच्छा नहीं, कैलकुलेट करें जरा, ये तो बहुत छोटा नंबर बनेगा। सोलह डिजिट तक का नंबर सेव कर लेता है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, 16 डिजिट तक का ये नंबर सेव कर लेता है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो जो एक तो इंटीजर होता है और एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा बड़े नंबर स्टोर हो जाते हैं क्योंकि उसमें स्टोर करने की जो उसको स्ट्रैटेजी होती है, नहीं स्ट्रैटेजी जो होती है फ्लोटिंग पॉइंट में वो डिफरेंट होती है, एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी से दरमियान से कट करते हैं उसको, और एक तरफ पॉइंट्स वाली वैल्यू एक तरफ 10 की पावर वाली वैल्यू करते हैं वो, तो उससे बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर की जा सकती है उतने ही बाइट्स में जितने में एक इंटीजर कम वैल्यू स्टोर करता है। वेल, तो इस पर हम इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चक्कर है, वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी में, इस पर हम एक सेशन पूरा करेंगे क्लास इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि जी नंबर होता है, नंबर या कोई भी वेरिएबल का जो नाम है उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर बीच में आ सकता है, दरमियान में नंबर आ सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर दो ही आएंगे, डॉलर और अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं होता, ये जावास्क्रिप्ट की रूल रेगुलेशंस हैं। उसके बाद जी हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जो है, स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में क्या जगह ले रहा होता है, 16 बिट पर कैरेक्टर वो जगह ले रहा होता है, क्योंकि जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो UTF-16 के जो है ना इनकोडिंग को फॉलो करती है, इस वजह से एक कैरेक्टर जो है वो 16 बिट ले रहा होता है हमारे पास रैम के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ये स्ट्रिंग हो गया हमारे पास। उसके अलावा बूलियन है, बूलियन को थियोरेटिकली तो एक बिट लेना चाहिए क्योंकि वो या तो एक वक्त में जीरो होता है या तो वन होता है या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, लेकिन ये इन रियलिटी थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, 4-5 बिट ले लेता है ये बिकॉज ऑफ V8 के जो इंटरनल मामला हैं उसकी वजह से। ठीक है जी, किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी हो आपने तो टाइप ऑफ करके उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो टाइप आपको सामने से बता देता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर है वो सिर्फ नंबर ही होता है, जैसे C++ में या सी लैंग्वेज में या C# में क्या होता है कि जी इंटीजर अलग होता है, फ्लोट अलग होता है, डबल अलग होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर का एक ही वेरिएबल होता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से स्ट्रिंग का भी एक ही वेरिएबल होता है, जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है कि कैरेक्टर अलग होता है स्ट्रिंग अलग होता है, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग होता है, दैट्स इट। और तो ये जी वेरिएबल हमने देख लिया, अब ज़रा इस वेरिएबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं ना वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के वेरिएबल हमने देख लिए। अच्छा, ये तीन तरह के जो वेरिएबल हैं इसको हम कहते हैं नेटिव वेरिएबल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने वेरिएबल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव या नेटिव वेरिएबल कहते हैं। अभी ऑब्जेक्ट और एरे भी आएगा, वो प्रिमिटिव वेरिएबल नहीं है जावास्क्रिप्ट का, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्ट। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि कुछ वेरिएबल जो होते हैं उसके अपने होते हैं, सगे होते हैं, और कुछ होते हैं कंस्ट्रक्ट। तो ये सगे वेरिएबल इसमें तीन है। ठीक है, बाकी के जितने अब हम आगे देखेंगे एरे और ऑब्जेक्ट वगैरह वो सारे सौतेले हैं। सही है, और उनके साथ भी सौतेलों वाला बर्ताव भी आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि उनको कैसे जो है ना जावास्क्रिप्ट डिफरेंटली ट्रीट करता है। और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में यही होता है कि जो
जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उसको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट उसको दी जाती है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट है एक सगे वेरिएबल से। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर परफॉर्म होने वाले जो हमारे पास ऑपरेशन है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले ज़रा ये आउटलाइन हम देख लें कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या कुछ कवर करने लगे हैं। हम जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही है। वेरिएबल हमने ये सारे कवर करने हैं, ये सारे ऑपरेशंस हमने कवर करने हैं, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लूपिंग के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और हम फंक्शन पढ़ के इसको ख़त्म कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो टारगेट है वो 4 वीक का टारगेट है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि 4 वीक में इसको हम निपटा लें, डिपेंडिंग ऑन के आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो अभी जो 4 वीक होंगे वो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगले 4 वीक होंगे हमारे उसमें भी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, यानी कि सर्वर बनाना सीखेंगे हम, डेटाबेस बनाना सीखेंगे और हम APIs बनाना सीखेंगे, हम API कॉल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम अगले 4 वीक में सीखेंगे। तो ये 4 और 4 8 वीक हमारी जावास्क्रिप्ट चलेगी। अच्छा, बावजूद इसके कि जावास्क्रिप्ट इस कोर्स में हमने लिखा था कि आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट ना, और मैं अज्यूम भी कर रहा था कि सब लोगों को अच्छे से आती होगी जावास्क्रिप्ट, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों को अच्छे से भी आती है ना जावास्क्रिप्ट, तो उनको भी असल में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, जो तो उसका क्या चक्कर होता है, एक और ब्रीफ आई है फाइवर पर, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ना जो जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं वो ऐसे ही हैं, सिर्फ सैलानी में ना थोड़े अच्छे से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो ऐसे ही हैं। अच्छा, क्यों, आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आपको जितना पढ़ाएगा ना आपको लगेगा अच्छा यार इतना ही था, तो बस बात ख़त्म हो गई। स्टिल मैं जावास्क्रिप्ट को बहुत ब्रीफली लेके चलूँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं सिर्फ वो बातें कवर करूँ जो कोई और नहीं पढ़ाता। ठीक है, जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो तो आप सब लोगों को आती होगी, जो सरफेस लेवल की जो नॉलेज है वो तो दे रहे हैं सब लोग, लेकिन इन डेप्थ कोई बात नहीं करता। अच्छा, तो ये हो गई हमारी बात। अच्छा जी, तो नंबर के वेरिएबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं वो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जी लेट ए इक्वल्स टू 5 और लेट बी इक्वल्स टू 3। अच्छा, और मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग 3 और +5। हाँ, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस लाइन में जो ये लिखा हुआ है लेट एक कीवर्ड है जो वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो ECMAScript 5 थी, जो पुरानी वाली यानी 6 से भी पुरानी वाली जो थी, उसमें वार करके होता था, अभी नए वाले में लेट होता है। अच्छा, ए जो मैंने लिखा है ये वेरिएबल का नाम है, शॉर्टेस्ट नाम आप ए लिख सकते हैं, वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है नाम, 20, 25 कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर का भी नाम आप लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अच्छा, इक्वल्स जो लगा हुआ है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि जी इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन क्या करनी है, और मैंने उसके बाद लिखा है 5। 5 क्या चीज़ है, नंबर, क्या नंबर लिटरल है, सही है, ये एक नंबर लिटरल है। अच्छा, ये ए लिखा हुआ होगा तो वेरिएबल है, और ये नंबर इटसेल्फ खुद लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे लिटरल है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप देखें क्या हुआ, नीचे मैंने आगे लिखा कॉन्सोल डॉट लॉग। अच्छा, कॉन्सोल डॉट लॉग क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे, लेकिन कौन सी स्क्रीन पे, डेवलपर कॉन्सोल के ऊपर। ठीक है, जो आम यूज़र को दिखेगा नहीं, ये सिर्फ डेवलपर को दिखेगा, हम देखते हैं अभी ये कहाँ नज़र आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 + 5 किया, तो ये मैंने क्या किया, 2 नंबर लिटरल को मैंने प्लस कर दिया, तो ये मैं जावास्क्रिप्ट में कर सकता हूँ। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट ये काम हो जाता है। तो ये 3 + 5 जब मैं करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा 8। रिटर्न करने का क्या मतलब है कि ये इतना आइटम जो है ना खुद यहाँ से गायब हो जाएगा, जब ये कोड मेरा रन होगा तो ये खुद यहाँ से गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसकी रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू एक ऐसी बात है जिसको आपने आखिर तक भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप भूलेंगे उसको तो ये आपको फिर बहुत तंग करेगा। अच्छा, तो रिटर्न वैल्यू क्या चक्कर है, जब ये कोड चलेगा और लाइन नंबर 29 पे जब मेरा कोड पहुंचेगा तो देखेगा वो कॉन्सोल डॉट लॉग,
और उसके अंदर दो नंबर लेटरल आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये इन दोनों को ऐसे गायब कर देगा और यहाँ पे ऐसे 8 आ जाएगा। तो दिस 8 इज रिटर्न वैल्यू। अच्छा, इसको हम चला के देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा ही होता है। इसको मैंने कहा जी कॉपी पाथ, और बल्कि ये पहले से ही खुला हुआ है यहाँ पे। चलो दोबारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं कॉन्सोल। अब आप देखें यहाँ पे 8 जो है ना प्रिंट हो गया, और ये कहाँ से आया है प्रिंट, ये मुझे बता रहा है कि जी लाइन नंबर ये 29 से प्रिंट आया है मेरे पास। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने दो नंबर लिटरल को प्रिंट कर दिया। अच्छा, इस जगह पे मैं दो नंबर लिटरल की जगह क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल और एक लिटरल को भी प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ए और यहाँ पे 5, तो ए में भी 5 है उसमें भी। अच्छा, अब यहाँ पे जो ए है ना, जब ये कोड जब रन होगा, जब ये कोड, तो ये ए क्या हो जाएगा, यहाँ से खुद हट जाएगा। वेरिएबल जो है ये क्या करेगा, ये खुद हट जाएगा और अपनी जगह पे वो नंबर ला के रख देगा जो इसके अंदर मौजूद है, यानी कि 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए इट्सेल्फ क्या रिटर्न करेगा, अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 ऐसे। अच्छा, अब ये हो गया। अब जब ये दोनों प्लस होंगे तो ये रिटर्न करेंगे 10। तो इस तरह से करके ये एग्जीक्यूट होगा। चला के देखते हैं हम इसको। ठीक है, 10 आ गया यहाँ पे। ये मैं आपको रिटर्न वैल्यू भी समझाता जा रहा हूँ साथ साथ, और आपको मैं साथ साथ ऑपरेशंस भी समझाता जा रहा हूँ। अच्छा, दोनों वेरिएबल भी कर सकता हूँ मैं, आपस में दो वेरिएबल भी प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये ए रिटर्न करेगा 5, ये रिटर्न करेगा 5, और ये दोनों मिलकर रिटर्न कर देंगे 10। ठीक है जी। अच्छा, प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक इस्तेमाल होगा और डिवाइड के लिए स्लैश इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों के अंदर मैं ये काम कर सकता हूँ। नंबर लिटरल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन रख सकता हूँ, या दोनों लिटरल या दोनों वेरिएबल रख सकता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 5 / 5, तो क्या रिटर्न होना चाहिए? हाँ भाई, क्या रिटर्न होना चाहिए? 1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, यहाँ पे कोर्स आउटलाइन में ये मैंने बात लिखी हुई है, ये जो आउटलाइन है ना, यहाँ पे मैंने ये बात लिखी हुई है कि हमने ये सारे ऑपरेटर पढ़ना है। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, और ये मॉड्यूलस यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब मॉड्यूलस का काम क्या होता है? मॉड्यूलस का काम होता है रिमाइंडर देना। ठीक है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, या इसका जो फॉर्मल नाम है वो मॉड्यूलस है। अच्छा देखो, जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं ना, क्या किया भाई? अच्छा, मैं समझा वो छुट्टी की घंटी तो नहीं बज गई, ये सैलानी वालों ने छुट्टी की घंटी क्यों लगा ली। अच्छा, खैर है, कोई मसला नहीं है, लगा दो, वापस लगा दो। सोचो सैलानी में क्लास ख़त्म हो, छुट्टी की घंटी बजे, टन 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 टन। अच्छा, मॉड्यूलर, जब किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे यार इमेजिन करो कि मेरे पास एक केक पड़ा हुआ है, उसको मैंने बीच से दो कर दिया। अच्छा, एक बंदे को दे दिया, एक हिस्सा दूसरे बंदे को दे दिया, तो ये तो हो गया, मसला हल हो गया। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मेरे पास 75 रुपीज़ है, उसको मुझे 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो मैं 25-25 तीनों में डिवाइड कर दूँगा। लेकिन अगर मेरे पास 76 रुपीज़ हैं, अब उसको मुझे 3 लोगों में डिवाइड करना है, मैं कैसे करूँगा? थियोरेटिकली, इन थ्योरी, प्रैक्टिकल बात नहीं है ये, इन थ्योरी क्या होगा, वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा और आप उसको डिवाइड कर देंगे, है ना, इन थ्योरी होगा ये। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो 1 रुपए से कम का सिक्का है ही ना, तो 25-25 रुपए तो मैंने दे दिए तीनों को, अब जो 1 सिक्का बचा है ना मेरे पास, वो डिवाइड नहीं हो सकता मजीद। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड दैट 1 रुपीज़ टू दोज 3 पीपल। तो या तो मैं वो एक किसी एक बंदे को दे दूँ, तो एक बंदे को ज़्यादा मिल जाएगा, बाकी दो को कम मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका जो क्यों, इसी वजह से जब भी आप कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपके पास दो तरीके से हो सकता है, या तो आप पॉइंट में आंसर लेकर आ जाएं, या तो आप पॉइंट में आंसर ना लाएं और आप रिमाइंडर बचा लें, या तो आप पॉइंट में आंसर ना लाएं
आप रिमाइंडर बचा लें उसको। सही है, यही होता है ना जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 50 लोगों की सीट है, यहाँ पे 50 लोगों की सीट है। अच्छा, तो वो 50 लोगों की सीट जो है मुझे दो बराबर बराबर क्लासेस मुझे बनानी है, इसे एक क्लास को डिवाइड मारना है, दो बनाना है मुझे बराबर बराबर, तो 25-25 सीट हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें 51 सीट है तो फिर वो बराबर बराबर नहीं हो सकता, फिर वन बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, या मैं कोई और आपको मज़ीद मिसाल दूँ कि जी हाँ नहीं, पहले समझ तो लो कि रिमाइंडर होता है, ये समझ आ गया रिमाइंडर होता क्या है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में ना कभी भी आप इस तरह से ना पॉइंट में किसी चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तो चलो हो जाती हैं पॉइंट में डिवाइड, जैसे पानी है या पेट्रोल है, वो तो चलो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल ही लिक्विड है। कि जी मिसाल के तौर पर आपके पास था 5 लीटर और 3 ड्रॉप, 5 लीटर 3 ड्रॉप, ये एक मैंने, मेरे पास ये पेट्रोल मौजूद है। अब वो आपने 3 लोगों को डिवाइड करना है, तो वो आप ड्रॉप्स ड्रॉप्स करके डिवाइड तो कर ही देंगे अल्टीमेटली। लेकिन उसमें भी अगर आप सही मानों में देखें ना, तो वो जो मैन्युअली नापने का जो होता है उसमें शायद वो 100 ml होता है मिनिमम, उससे कम उसमें नहीं होता, 100 ml से कम। ठीक है, यानी आमतौर पर जो पेट्रोल बेचने वाले लोग हैं उनके पास 100 ml होता है मिनिमम। ठीक है, वो लैब वाला होगा तो उसके पास 1 ml का भी होगा शायद, बच्चों को दवा पिलाने के लिए वो 1.5 ml का भी होता है, वो जो स्कूप डाल के देते हैं साथ में बच्चों की दवा के। तो रियल वर्ल्ड में ना ये चीज़ हमेशा पॉसिबल नहीं होती कि आप क्या करें, इस तरह कर लें। ठीक है, जैसे पैसों में आप ले लें, या जैसे आप जैसे सनग्लासेस आपने ख़रीदी हैं, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर 6 सनग्लासेस ख़रीद लिए आपने, अब आपने वो अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपके दोस्त 5 हैं। ठीक है, यानी आपको मिला के 5 हैं, तो अब वो कैसे डिवाइड होगा? अब 6 सनग्लासेस 5 लोगों में इवनली कैसे डिवाइड होगा? नहीं हो सकता। सही है, अच्छा, या इमेजिन करेंगे दो दोस्त हैं आप, एक आप हैं एक आपका दोस्त है, तो 6 सनग्लासेस 3-3 डिवाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन आप दो से जैसे ही आप 3 होंगे ना, तो वो फिर चलो 3 भी हो जाएगा, 2 2 और 4 2 6 3 भी हो जाएगा, 4 में नहीं होगा। तो देख रहे हो, सम टाइम इवनली डिवाइड करना पॉसिबल होता है, सम टाइम पॉइंट में आंसर आता है तो वो फिर इवनली डिवाइड नहीं होता। अब क्या सनग्लासेस को बीच से काट के 2 करेंगे क्या? ये तो नहीं कर सकते ना। जैसे बचपन में तुम लोगों को ईदी मिलती थी ना, ये लो भाई 20 का नोट, अब तो 20 का नोट नहीं लेते बच्चे, लेकिन मेरे बचपन में 20 का नोट बहुत बड़ी बात होती थी भाई। तो 20 का नोट देते थे और कहते थे यार ये दोनों भाई बांट लेना आपस में। अब भाई 20 के नोट को क्या बीच से फाड़ें? उसको खुला तो हमने करना नहीं है, क्योंकि चेंज करेंगे तो पुराने नोट मिल जाएंगे दोनों 10-10 के, तो चेंज भी नहीं करना, अब उसको नोट भी नया चाहिए, अब उसको डिवाइड कैसे करें, समझ रहे हो? तो नोट को बीच से फाड़ नहीं सकते हम, तो ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड में और थियोरिटिकल वर्ल्ड में ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है, इसी वजह से हमेशा रिमाइंडर का हमारे पास ऑप्शन रहता है। अच्छा, तो ये जो मॉड्यूलस का साइन है ना, ये क्या करेगा? अगर मैंने कहा ना कि 76 मॉड्यूलस 3, ठीक है, 76 मॉड्यूलस 3, तो 25-25 तो डिवाइड होगा 3 जगह। मॉड्यूलस भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अरे बच्चा क्या हो गया? मॉड्यूलस जो है वो भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, लेकिन डिवाइड ये करेगा बगैर पॉइंट वाला, और आंसर आपको कौन सा देगा? जो रिमाइंडर बचा है। तो यहां पे आंसर आएगा 1, क्योंकि 76 मॉड्यूलस 3 है ये, यहां पे आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, अगर ये होता 75 तो ये आंसर आ जाता 0, क्योंकि वो इवनली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होगा कि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, जैसे भाई 3 दोस्त हैं, 6 सनग्लासेस हैं, 2-2 डिवाइड हो गया तीनों में, इवनली डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा पीछे। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें 2-4 वैल्यूज लिखता हूँ और आपसे मैं फिर सवाल पूछूंगा, देखते हैं कि आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम तो अभी थोड़ी देर में सॉल्व होगी ना। चलो खैर है, गुड गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम तो भाई देखो होगी बाद में सॉल्व, पहले तो टूल से फेमिलियरिटी तो होनी चाहिए ना आपकी, पहले तो टूल से फेमिलियरिटी होगी ना आपकी। मिसाल के तौर पे जैसे एक कारपेंटर है, अब वो कारपेंटर बनने का जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले आप क्या सीखेंगे कि अच्छा जी कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी हथौड़ी अवेलेबल है, इससे कील ठोक सकते हैं,
एक हमारे पास एक आरी है जिससे अगर लकड़ी को काटना हो तो उससे कट जाती है, ठीक है। फिर एक आरी मशीन वाली है कि अगर जी बिल्कुल ही इवनली काटना है तो उससे, फिर वो एक प्लेन करने वाला होता है, फिर एक उसमें वो चिपकाने वाला सोल्यूशन होता है कि जी इस पर ये जो ऊपर चिपका हुआ है ना, एक लेयर चिपकी हुई है खूबसूरत सी। तो ये सारे टूल्स से फेमिलैरिटी होगी आपकी सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ ये फेमिलैरिटी से मुतालिक। जैसे इस रूम में आपको कहीं वायरिंग की तार तो नज़र नहीं आ रही है, सारा कंसील्ड, इलेक्ट्रिक वायरिंग सारी कंसील्ड है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है इससे जो तार निकली हुई है वो आया कि वो कंसील्ड वो इस बोर्ड से ऊपर की तरफ गई हुई है, नीचे की तरफ गई हुई है, लेफ्ट है या राइट है, मतलब ये तार कहाँ से गुजरी है, अब इस बोर्ड से तार कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर से, लेकिन यू कैन नॉट टेल फॉर श्योर, आप बता नहीं सकते इस बारे में। वो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि दिख रहा तो है नहीं, दिखेगा तो बताएंगे ना यार जब नज़र ही नहीं आ रहा तो बताएंगे कैसे। अच्छा, तो कोई ना कोई इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, होगा ना कोई इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक होता है टेस्टर स्पेशल किस्म का, वो टेस्टर ऐसा होता है वो दूर से ही बताता है करंट, बिल्कुल टेस्टर जैसा होता है दिखने में, और वो बीप करता है। ये अब बत्ती वाला भी होता है, बीप वाला भी होता है, दोनों होता है। उसमें क्या होता है कि आप उसको जब तार होती है ना, तार से वो आधे सेंटीमीटर दूर पे ही वो बीप करने लगता है, या एक सेंटीमीटर दूर पे ही बीप करने लगता है। फिर उसमें अगर उसकी रेंज बढ़ा दें तो वो एक फिट दूर से भी बीप करता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास की टाइमिंग ओवर हो गई है। वेल, तो अब ये एक इक्विपमेंट है, एक टूल है। अब आप अगर आपको इस टूल का पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप फिर चार होल करेंगे चार साइड पे ये देखने के लिए कि यार तार कहाँ से गई हुई है। और उसमें क्या होता है, उसमें आप जस्ट उसको बोर्ड पे ऐसे यूँ लगाते हैं, और बोर्ड पे लगा के ना आप ऐसे से यूँ यूँ घुमाते हैं, वो जहाँ से गुजर रही होती है तार वहाँ बीप करता है, आप उस बीप को फॉलो करते हुए आप ले जाएँ पूरी लकीर लगाएँ, आप वहीं वहीं से तोड़ें, तार निकालें, रिपेयर करें, वापस अंदर। आपको मैं उसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। अब इसमें ना ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये तो आ गया पुराना वाला, ये है वो नया वाला, देख रहे हो। अच्छा नहीं, ये भी नहीं है वो, उसके आगे, क्योंकि ये लोहा नहीं होता, ये जो लोहा लगा हुआ है ना उसके आगे ये नहीं होता, उसके आगे होता है प्लास्टिक। वायरलेस लिख के लेंगे, हाँ वायरलेस लिख देते हैं। मुझे उसका ना, हाँ ये आया तो था यार, एक मिनट, ये वाला है ना, ये रहा, ये वाला है वो। क्या इसका वोल्टेज डिटेक्टर नाम है, इसका टेस्टर नाम नहीं है, ये पहले नंबर पे ही तो आया, बताइए, ठीक है। अब ये मन जाना है भाई, देख लो ये, अब ये मैंने एक टूल बताया। अच्छा, मुझे कैसे पता चला, मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियन आया तो मैंने उसके बाद देखा, मैंने कहा अरे ये क्या चीज़ है, इसने कहा भाई यही तो चीज़ है। तो चक्कर ये है कि भाई प्रोग्रामिंग के अंदर ना पहले तो आपकी ये टूल से फेमिलैरिटी होगी आपकी, कि जी अच्छा इस टूल से रिमाइंडर निकल जाता है, इस टूल से ये हो जाता है, इस टूल से वो हो जाता है। वंस आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो फिर जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये पता होगा कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम इस टूल के मदद से सॉल्व होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अगर इस टेबल को बीच से तोड़ के दो करना है तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, हथौड़ी से शायद बड़ा वाला हथौड़ा यूज़ करेंगे आप मे बी, ठीक है। या अगर अच्छे से खूबसूरती से दो करना है बीच से तो फिर आरी से काट के करेंगे। तो ये आपको पता कैसे चला, आपको पता ऐसे चला कि वो टूल से आप पहले से फेमिलियर हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक नंबर आपके पास आता है, आपने वो चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो कैसे चेक करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। रिमाइंडर से पता चलेगा ना, इवन उस नंबर को कहते हैं जो टू से इवनली डिवाइड हो जाए, यानी कि सिक्स एक इवन नंबर है, वो सिक्स इवन नंबर इसलिए है क्योंकि वो टू से इवनली डिवाइड हो जाता है। अगर मैं सिक्स डिवाइड बाई टू करूँ तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, डिवाइड हो गए सब खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेवन जो है इज़ नॉट एन इवन नंबर, क्योंकि सेवन डिवाइड बाई टू करता हूँ मैं तो वो इवनली डिवाइड नहीं होता, पॉइंट पर आंसर आ जाता है। लेकिन मुझे तो पॉइंट वाला नहीं चाहिए ना, मुझे तो रिमाइंडर पता करना है कि कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेवन मॉड्यूलस थ्री और सेवन मॉड्यूलस टू, तो सेवन मॉड्यूलस टू मुझे वन रिटर्न करेगा जबकि सिक्स मॉड्यूलस टू मुझे जीरो रिटर्न करेगा। तो जीरो जो दे रहा है इसका मतलब है वो इवन, जो वन देता है इसका मतलब है वो ऑड, ठीक है। अच्छा, तो आज हमने बहुत बेसिक चीज़ें कवर की हैं जिसमें हमारे पास क्या शामिल है,
ये तीन वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिए. अच्छा, ये तीन वेरिएबल हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किए हैं. जो ऑलरेडी YouTube पे मौजूद लेक्चर्स हैं, जो इस क्लास में दो तीन लेक्चर्स पहले हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं मैंने ना. अच्छा, इससे पहले भी कुछ एक विजन प्रो करके डिवाइस आई है एप्पल की, तो उस पर भी मैंने एक ज़रा अपना ओपिनियन दिया है कि जी ये क्या चक्कर है. तो एक पूरी क्लास हमने उस पर डिस्कशन की थी. ज़ाहिर है वो चीज़ें सारी मैं रिपीट यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, तो वो ज़रा जाके आप ख़ुद से देख लीजिएगा. इंशाल्लाह अब हम एक दिन का गैप है हमारे पास, फिर हम आज मंडे है, ट्यूसडे छोड़ के हम वेनसडे को अब हमारी मुलाकात होगी. तो आपके पास एक दो दिन है, तो आप आराम से वो देख लीजिएगा, अगर जिन लोगों को ज़रूरत है देखने की. अच्छा, तो हम जल्दी जल्दी ना ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, तो इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, आप लोगों का साथ चाहिए होगा, आप लोगों का रिस्पांस चाहिए होगा. इस क्लास में अगर आप डिले डाले होके चलेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा बड़ा. ठीक है. अच्छा, तो आपको मैं जाते जाते एक टास्क भी देता जाऊँ, क्या ख्याल है, दे दूँ? अच्छा, टास्क आपका ये है यार कि जो है ना, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाई थी ना, HTML CSS भी मैंने पढ़ाया है इसमें. ठीक है, थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना सा. आ जाते हैं जी हम ज़रा प्लेलिस्ट में. कहाँ है प्लेलिस्ट हमारी? हाँ, ऐड नहीं आ रहे क्योंकि वो बंद है मोनेटाइजेशन इसलिए नहीं आ रही ऐड. अच्छा, अब इधर देखो ये क्या है, 20 मिनट क्रैश कोर्स HTML5. अच्छा जी, 20 मिनट क्रैश कोर्स CSS3, ये दोनों आपने देखनी है. अच्छा, उसके बाद बिगनर गाइड टू फ्लैक्स बॉक्स. फ्लैक्स बॉक्स मैंने एक चीज़ है वो पढ़ाई है. अच्छा, ये तीनों वीडियो देख के आपने क्या करना है, एक अपनी CV की वेबसाइट बनानी है जो कि मोबाइल डिवाइस पे भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. और ये तीनों वीडियो देख के आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये बहुत ईजिली बना लें. ठीक है, मोबाइल डिवाइस पर भी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. अच्छा, जो गिट मैंने आपको पढ़ाया ना, वो भी इसमें, ये रहा इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिट हब, पब्लिश योर फर्स्ट रिपोजिटरी. गिट भी अगर किसी ने दोबारा पढ़नी हो तो वो यहाँ पे मौजूद है. अच्छा, और वो CV वाली वेबसाइट बनाकर आपने उसको क्या करना है, गिट हब में ना सिर्फ पब्लिश करना है बल्कि GH पेजेस पे उसको होस्ट भी करना है, लाइव करना है आपने उसको. ठीक है, तो ये जो 20 मिनट का क्रैश कोर्स है ना HTML का, इसमें ये मैंने बात बताई है कि बिल्डिंग एंड होस्टिंग योर फर्स्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट. तो समझ आ गया असाइनमेंट सब लोगों को? ये दो वीडियोस देखनी है, HTML और CSS वाली, और आपने एक CV, तीन वीडियो बल्कि, फ्लैक्स बॉक्स भी है, और आपने एक CV वाली वेबसाइट बनानी है. और ना सिर्फ वेबसाइट बनानी है बल्कि उसको आपने GitHub पेजेस के ऊपर होस्ट भी करना है, और वो होस्टेड URL आप नेक्स्ट क्लास में मुझे देंगे यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं सबमिशन लूँगा. जो भी एक असाइनमेंट बनाकर नहीं आएगा, मैं ये कंसिडर करूँगा कि वो पढ़ने पढ़ाने के मूड में नहीं है, वो ऐसे ही यहाँ पे बैठने के लिए आ रहा है. ठीक है, हाँ, नहीं सिर्फ नए लोगों के लिए, बाकी लोग तो जो सबमिशन जिसने नहीं कराई है, आपने तो बना लिया ना, तो जिसने बना लिया वो पुराना लिंक मुझे भेज दें, दैट्स इट. ठीक है, सबमिशन तो मैं सब लोगों से लूँगा, लेकिन आपका पहले से बना हुआ तो आप वही वाला लिंक मुझे दे देंगे. यार रिस्पॉन्सिव तो फ्लैक्स बॉक्स में बाई डिफॉल्ट होनी चाहिए ना यार, तो थोड़ा सा उस पर काम कर लीजिएगा, उसको रिस्पॉन्सिव कर लीजिएगा. ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स का मतलब है बाई डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव. यार भाई, ये असाइनमेंट मैंने बता दिया कि एक CV वाली वेबसाइट जो कि मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, दैट्स इट. ठीक है, अब जितना आपसे बनता है आप देखते हैं कितने पानी में आप कितना आपसे बन पाता है. अब ये आप ऊपर से लगानी है, आपने दोबारा शुरू से बनाना है, ये आप खुद देख लें. सही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी. अब जी सवाल, सॉरी यार, देखो मिनिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है मेरी क्लास में. मैक्सिमम जितना आता है लगा दो, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स होना चाहिए उसमें. ये नहीं कि बगैर फ्लैक्स बॉक्स के नहीं दिखूंगा मैं.